हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये जो टॉपिक है इस चैनल के शुरू होने से पहले, आई थिंक मेरे भी पैदा होने से पहले से चला आ रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो विस्की होती है उसमें फ़र्क होता है टेस्ट का। लकीली आई लिव इन दिल्ली, और हरियाणा और यूपी का बॉर्डर दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है, सो आई हैव एक्सेस टू थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ विस्की। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल कंपेयर विस्कीज फ्रॉम दोज थ्री स्टेट्स। इन तीन ग्लासेस में है ब्लेंडर्स प्राइड विस्की। यस, तीनों ग्लासेस में सेम विस्की है बट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा एंड यूपी। एंड मुझे नहीं पता है कि कौन से ग्लास में कौन सी विस्की है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। मैं तीनों विस्कीज को टेस्ट करूंगा। आई विल गिव माई जजमेंट कि मुझे कौन सी बेटर लगी, या हो सकता है कि तीनों में कोई डिफरेंस ना लगा हो मुझे, और उसके बाद आई विल फाइंड आउट द आंसर। अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की जो विस्की होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू हरियाणा या यूपी। हरियाणा स्पेशली थोड़ा बदनाम है इस चीज़ को लेकर, और मुझे पर्सनली लगता है दैट इट इज़ अ मिथ, बट दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पता लगी जब मैंने तीन डिफरेंट बॉटल्स खरीदी और उनके पीछे की इन्फॉर्मेशन पढ़ी। दिल्ली की जो बॉटल है वो आती है मोहाली पंजाब से, हरियाणा की बॉटल आती है पलवल हरियाणा से, और यूपी की जो बॉटल है वो आती है मेरठ यूपी से। सो यस, ऑल्दो सेम विस्की है, सेम रेसिपी भी यूज़ करी गई होगी उसमें, बट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम थ्री डिफरेंट डिस्टिलरीज, तीन डिफरेंट टीम ने उन्हें बनाया है, सो देर इज अ स्लाइट चांस कि टेस्ट में कुछ फर्क होना चाहिए। अब फर्क का मतलब ये नहीं है कि कोई बेटर है या बुरी है। लेट्स स्टार्ट द टेस्टिंग एंड फाइंड आउट कि क्या डिफरेंस है। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी नोजिंग, आई विल जस्ट डू टेस्टिंग, बिकॉज वरना वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट विद द टेस्टिंग ऑफ दिस वन फर्स्ट। देर इज अ बिट ऑफ स्वीटनेस जो आपको हिट करती है इनिशियली। एल्कोहल की एक बाइट है जो बाद में आती है। ओवरऑल आई कांट रियली से एनीथिंग स्पेशल, बिकॉज फर्स्ट सिप लिया मैंने फर्स्ट विस्की का, एंड इट इज टेस्टिंग अ बिट फेमिलियर। ऑल्दो आई डोंट ड्रिंक ब्लेंडर स्प्राइट अलॉट, बट आई थिंक इतनी पी हुई है कि इसका जो टेस्ट है उसकी पहचान हो चुकी है। सो I don't think that there is anything different about this one, but let me have a sip of water. There is some difference in the taste. देर इज हल्की हल्की मुझे एक मेटेलिक सा नोट आ रहा है इसमें से, अदरवाइज टेस्ट इज सिमिलर। आई वोंट से कि टेस्ट में काफ़ी फर्क है बहुत ज़्यादा, बट हल्का हल्का एक मेटेलिक सा टेस्ट है इसके अंदर। लेट मी ट्राई दिस वन नाउ। This one is quite different. I think दोनों में से काफ़ी ज़्यादा different है। Less sweetness, एक ज़्यादा bite है इसके अंदर alcohol की, and maybe a bit of smoke that I'm getting. So definitely ये तो नहीं कह सकते कि तीनों whiskies same है, even though they are same brand. But there is a definite difference in taste in all three. Although in dono mein thoda fark kam hai, but this one is very different. Let me have another round. I'm going to taste them one by one without
ड्रिंकिंग वाटर, जस्ट टू गेट दैट क्लैरिटी कि क्या समय फर्क है तीनों में. डेफिनेटली दैट स्वीटनेस इन दिस वन. नाउ आई एम ड्रिंकिंग यू नो आफ्टर राइट आफ्टर दिस वन आई डोंट फील दैट डिफरेंस मच. Overall, I have to say that this one is slightly smoother. It's going down very well. I'm just trying to understand कि मैं कैसे आप लोगों को डिफरेंस को डिफाइन कर पाऊँ. ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है कि बहुत बेकार विस्की है इन तीनों में से कोई भी, बट देर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस इन टेस्ट. एक अनफ्रेंडलीनेस ही है इस वाली विस्की में, स्पेशली व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट यू नो विद द अदर टू. लेट मी ट्राई इफ आई फाइंड समथिंग लाइक दैट इन दिस वन. स्टिल देयर बट मे बी अ बिट लेस एज कंपेयर टू दिस. देर इज अ बिट ऑफ मेटेलिकनेस इन दिस वन जो अगेन थोड़ा सा ऑफ फ्लेवर्स लेकर आती है. इट्स नॉट दैट स्मूथ व्हेन इट गोज डाउन. आई मीन डेफिनेटली देर इज अ बिग डिफरेंस. मैं खुद थोड़ा शॉक्ड हूँ बिकॉज आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि एक डिफरेंट स्टेट्स की विस्कीज में इतना फ़र्क होगा. बट एट द सेम टाइम कंसिडरिंग कि तीन जो विस्कीज हैं वो तीनों अलग अलग डिस्टिलरी से आ रही हैं, देर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस. एंड आई थिंक आई एम नॉट दैट सरप्राइज्ड यू नो कंसिडरिंग दिस फैक्ट. आई हैव टू से दैट अगर इस विस्की को मैं ब्लाइंड टेस्ट करूँ और इसके साथ इन दोनों में से कंपेयर करूँ, इट डज नॉट फील लाइक द सेम विस्की. इट एक्चुअली फील्स लाइक मच बेटर उसकी. आई डोंट नो कि क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क है. होपफुली इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क नहीं होना चाहिए. ऑफकोर्स जब आप बात करते हैं हम पानी की, यू नो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वाटर बींग यूज, वो फ़र्क हो सकता है. जिस तरीके से लोग काम करते हैं वो भी फ़र्क हो सकता है. बट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो रेसिपी जो होती है वो सेम होनी चाहिए. होपफुली सेम होगी. बट definitely I have to say that this is better. अब अगर दिल्ली निकला तो मुझे लोग बोलेंगे कि ये चीटिंग करी है मैंने. बट ऑनेस्टली देर इज आई हैव नो आइडिया कि कौन सी विस्की कौन सी जगह से आई है. ओके लेट्स फाइंड आउट विच स्टेट दिस विस्की इज कमिंग फ्रॉम. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली विच इज अ बिट फनी क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में दैट जो मिथ है जो लोग लेकर हमेशा बात करते हैं कि दिल्ली की विस्की ज़्यादा बेटर होती है और वो सच निकलेगा. बट आई इन माई एक्सपीरियंस आई पर्सनली फाउंड इट टू बी ट्रू. और मैं खुद मानता था कि वो ये सच नहीं है बट इट वॉज ट्रू. दिस वन कम्स फ्रॉम हरियाणा. That means this is coming from UP. और दोनों का टेस्ट मुझे बुरा नहीं लगा है. ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत बुरी लगी है मुझे. They are all fine, but there is definite difference between these three and this one is definitely better. क्या आप चाहते हैं कि मैं Blender's Pride के अलावा किसी और whiskey का भी comparison करूँ from these states? मैं कोशिश करूँगा कि और भी states से मंगाऊँ और उनका भी comparison करूँ. Let me know in the comments. आप जिस स्टेट में रहते हैं अगर आप ब्लेंडर्स स्प्राइट पीते हैं
पीछे पड़ी है उसकी, और मुझे बताइए कि आपकी ब्लेंडर स्प्राइट कहाँ पर बॉटल हुई है, बिकॉज दैट विल बी एन एक्सपेरिमेंट, गुड एक्सपेरिमेंट टू चेक आउट। सो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो मुझे बताइए कमेंट्स में। आई एम रियली सरप्राइज्ड, बट फाइनली वी डू हैव एन आंसर दैट येस, दिल्ली में जो विस्की आती है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट ब्लेंडर स्प्राइट जो मोहाली पंजाब में बॉटल होकर आती है, दैट विस्की इज बेटर क्वालिटी स्लाइटली। सो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।